hello students how are you all i hope you all are fine and uh, dear students uh, today we are going to start with the new topic of chapter number uh, eight that is uh, need for conserving water and different ways of conserving water so dear students water is the gift of nature for all living uh, beings and it is precious if we continue to waste our water resources carelessly A time can come when there will be no enough water for all of us, है ना? एक दिन आ जाएगा जब किसी को भी पानी properly नहीं मिलेगा and uh...

और जो हमारा वी कैन सेव वाटर बाय अवॉइडिंग इट्स ओवर यूसेज और वेस्टेज एंड प्रॉपर एंड केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर अवॉइडिंग इट्स वेस्टेज एंड पॉल्यूशन इज द मेन रीजन जिसकी वजह से पानी बहुत ज्यादा आपका वेस्ट हो जाता है तो वाटर पानी वेस्ट हो रहा है तभी तो उसकी स्कैरसिटी हो रही है पोटेबल वाटर की जो आप पी सकते हैं पानी वो खत्म हो रहा है उसकी कमी हो रही है दैट्स वाई पॉल्यूशन इज द मेन रीजन वाटर एयर एंड लैंड पोल्यून ऑल टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द रिडक्शन ऑफ क्वालिटी है ना पानी खराब हो जाता है और बहुत जैसे अब ये आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सीवेज का पानी है ये भी पीने वाले पानी में मिल रहा है ये फैक्ट्रीज से निकलने वाला केमिकल्स है ये ऑयल स्पिल है जैसे समंदर में ये ऑयल गिर जाता है टैंकर से बहुत सारा ऑयल और ये फैक्ट्रीज से गंदा पानी जो भी निकल रहा है तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे वाटर जो है पॉल्यूट हो रहा है है ना तो वी शुड कंजर्व वाटर एंड वी टू सेव दिस बिकॉज वाटर इज लाइफ Okay? so तो is necessary for the survival of all living organisms so we should make genuine efforts to save the water and एंड uh, saving water is known as वॉटर कंजर्वेशन जब हम पानी को वेस्टेज को अवॉइड करेंगे और हम मेनटेन करेंगे कि हमें जितना पानी प्रॉपर केयरफुल यूज हम वाटर का करेंगे तो प्रॉपर केयरफुल यूज जो है एंड उसकी वेस्टेज को अवॉइड करना दैट इज नोन एज वाटर कंजर्वेशन एंड देर आर सो मेनी वेज इन विच वी कैन कंजर्व द वॉटर कंजर्व मीन्स आप पानी को कैसे कैसे बचा सकते हैं तो वी कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर इन आवर डेली लाइफ बाई अडोप्टिंग सम मेजर्स लाइक फर्स्ट टर्न ऑफ द टैप आफ्टर यूजिंग इट जब भी आप नल यूज़ करते हैं उसके बाद उसे प्रॉपर्ली बंद करें दिस कैन सेव सिक्स लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट ओके आफ्टर दैट डू नॉट कीप द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग टीथ और वॉशिंग हैंड्स हमेशा जैसे आप ब्रश कर रहे हैं उस समय टैप आपने बंद करना चाहिए उसको चलता नहीं रहने देना चाहिए एंड ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है ये आपने फॉलो भी करना है then use a mug and bucket to take bath instead of shower. Shower की जगह आप mug और जो bucket है वो use करेंगे। तो shower में बहुत ज़्यादा पानी waste होता है। उसके बाद water the plants with mug instead of a pipe। लोग pipe pipe से जैसे plants को पानी देते हैं कि जल्दी दिया जाता है तो बहुत ज़्यादा पानी waste होता है तो आपको bucket और mug ही use करनी है। Take only that much water in a tumbler uh, that you can drink। so do not uh, throw the leftover water in the sink। pour it over the प्लांट्स आप पानी पी रहे हैं वैसे तो पहले पानी ही आप उतना लें जितना आपने पीना है बट अगर फिर भी एक्स्ट्रा पानी है तो उसको सिंक में ना डालकर आप प्लांट्स में डाल सकते हैं एंड आफ्टर दैट डू नॉट थ्रो अवे वाटर यूज फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स राइस पल्सेस एंड यूज इट फॉर वाटरिंग प्लांट्स ये देखिए वेजिटेबल्स जैसे यहाँ पर वेजिटेबल्स हो रहे हैं या धो रहे हैं आप यहाँ पर भी तो इसका जो पानी है वो आप प्लांट्स में शावर कर सकते हैं जाके और उसको वेस्ट ना करें सिंक में डाल के एंड लास्ट वन इज गेट द दिकीत पाइप्स एंड टैप्स रिपेयर इमिडिएटली अगर आपके घर में टैप में पानी जो है वो लगातार निकल रहा है या पाइप में कोई लीकेज है तो उसको आपने इमिडिएटली रिपेयर कराना है सो डे स्टूडेंट्स दीजा वेज जो आप डोमेस्टिक जो आप वाइजली जो आ, यूज कर सकते हैं वाटर को एंड लाइक एक आप जब घर में डिश वॉशर यूज कर रहे हैं या वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हैं तो जब वॉशिंग मशीन आप तभी यूज करें जब बहुत सारे कपड़े हों छ दो चार कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन ना यूज करें क्योंकि वो पानी उतना ही लेगी जितना ज़्यादा कपड़ों के लिए लेती है सो so, वाइजली यूज़ करना है आपको तो वाटर ऑन अ लार्ज स्केल अब ये तो था कि डोमेस्टिक लेवल मतलब घर के लेवल पर आप पानी को कैसे कैसे बचाएंगे फिर एक है कि लार्ज स्के पानी यूज हो रहा है जैसे खेतों में इरिगेशन के लिए पानी यूज हो रहा है है ना तो आपने देखा होगा हैंड बड़े बड़े वहां पे आपके जो पंप्स लगे लगे होते हैं और आपके ट्यूब लगे हुए होते हैं खेतों में तो पानी चल रहा है लगातार है ना खेत भरे रहते हैं पानी से तो ओवर इरीगेशन हम इसको बोलते हैं कि पानी की इतनी जरूरत होती नहीं है जितना पानी खेतों में डाल दिया जाता है तो इट शुड बी चेक चेक मीन्स कि उसके ऊपर एक चेक होना चाहिए कि जितना रिक्वायर्ड है उतना ही पानी आप खेतों में डालें और इस ओवर इरीगेशन से बचने का जो जो बेस्ट तरीका है दैट इज वाटर स्प्रिंकलर शुड बी यूज फॉर इरीगेशन वाट इरीगेशन दिस रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ वाटर uh, एंड uh, उसके बाद जो uh, बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रेन वाटर हारवेस्टिंग प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रेन वाटर इन रीजन्स विच गेट हैवी रेनफॉल जहाँ पर बहुत ज़्यादा uh, बारिश होती है तो वी ऑल नीड टू डू एज मच हारवेस्टिंग ऑफ रेन वाटर एज पॉसिबल है ना जितना रेन वाटर आप बचा सकते हैं तो इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं जब घर दया बनता है उस समय इस तरह के स्ट्रक्चर्स पहले ही बन जाने चाहिए इन सिटीज रेन वाटर फ्लोज डायरेक्टली इन टू द ड्रेन्स नालियों में चला जाता है ना एंड इट शुड बी कलेक्टेड इन लार्ज अंडरग्राउंड टैंक्स कुछ लोग इसको अंडरग्राउंड टैंक्स में स्टोर कर लेते हैं कुछ लोग छत पर ही दो चार टैंक्स रख लेते हैं और पानी बारिश का पानी उसमें घर के स्टोर करते हैं और फिर इस तरह से वो अपने उस पानी को वेस्ट वो, जो भी छत पर पानी इकट्ठा ओवर हेड टैंक्स पर जो पानी इकट्ठा होता है उसको वो घर में फ्लशिंग एरिया में वॉटरिंग में कार वॉशिंग में लेकिन यूज दैट थिंग एंड मोर ओवर रीजन्स विच गेट हैवी रेनफॉल ऐसे रीजन जहाँ पर बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है और फ्लड्स आते हैं तो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रेन वाटर विल नॉट ओनली प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द फ्लड्स बट ऑल्सो हेल्प इन कंजर्विंग वाटर डैम्स बनाना डैम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड टू चेक फ्लड्स फ्लड्स को रोकने के लिए क्या बनाए जा सकते हैं डैम्स बनाए जा सकते हैं दे ऑल्सो हेल्प टू प्रिजर्व लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर आप बहुत सारा पानी जगह पर इकट्ठा कर सकते हैं और फिर वहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं हाउवेर इट इज इट इज इम्पॉर्टेंट टू केयरफुल प्लान द साइज लोकेशन एंड यूज ऑफ डैप्स बहुत प्रॉपर तरीके से बने होने चाहिए और जो ड्रेन्स में हमारा पानी जा रहा है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के थ्रू प्रिजर्व होना चाहिए और फिर हाउसेज में ऑफिसेज में फैक्ट्रीज में उसको यूज़ किया जा सकता है वॉशिंग वाटरिंग प्लांट्स में और टॉयलेट्स में जो रूफ टॉप पर हम रेन वाटर को इकट्ठा करते हैं उसको वहाँ पर यूज़ किया जा सकता है तो वाटर इज वेरी नेसेसरी वी शुड टेक केयर टू कंजर्व वाटर एंड प्रिजर्व इट फॉर द फ्यूचर सो ऑल ऑफ अस